अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए वेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, आपका एंड्रॉइड के चैनल पे फिर से वेलकम है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक पर कलरफुल नेम आईडी बना सकते हो जो हर 5 मिनट में अपना कलर बदलती है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हो या कोई टॉपिक देना चाहते हो, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हो या कोई टॉपिक दे सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उस टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड करने की। और मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। आपको एक सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होगा, आप सब्सक्राइब करना फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बेझिझक होकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सके, आपको मेरी वीडियोस जो है मिलती रहे लगातार अपडेट्स। तो मैं बता दूँ कैसे करने है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि कैसे आपको कलरफुल नेम आईडी बनानी है। तो हम चलते हैं क्रोम में। क्रोम पे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हर एंड्रॉइड मोबाइल में ये कंपलसरी है, क्रोम तो होगा। तो क्रोम में जाने के बाद आपको जो मेन्यू ऑप्शन है उसमें चले जाना है, यहाँ पर क्लिक करके और ये सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। लैंग्वेज पे जाने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑफर टू ट्रांसलेट पेजेस इन अदर लैंग्वेजेस, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। यानी इसका कहने का मतलब कि अगर कोई आपको ऑफर कर देता है, यानी कि अगर आप कोई तमिल लैंग्वेज की जो वेबसाइट है उसको लॉगिन करते हो तो वो तमिल में लिखा होता है, लेकिन इसकी सहायता से उस वेब पेज को आप इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट यानी कि ट्रांसलेट कर सकते हो। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं क्योंकि जो ट्रिक आज मैं बता रहा हूँ आपको, वो लैंग्वेज सेल कर होती है तमिल की लैंग्वेज से ही बनती है। तो हम यहाँ पर facebook.com खोल लेते हैं। फेसबुक का जो होम पेज है वो खुल गया है, तो कन्वर्ट कर देगा इसमें किसी कोई सी भी लैंग्वेज हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा ये। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर तमिल मैंने पहले से सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर क्लिक करके आपको तमिल सेलेक्ट करने है, तमिल यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन तमिल, ठीक है। तमिल सेलेक्ट करने के बाद आपको जो तमिल जो साइट है वो ऐसे ही दिखाएगी। या आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आपको जो ऑप्शन ऑन कराया था वो ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में, देखिए हो गया ट्रांसलेट। तो हम चलते शुरू करते हैं आईडी बनाने, कलरफुल आईडी बनाते हैं। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं हम। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपसे फुल नेम पूछेगा, तो हम यहाँ पर डालते हैं प्रिंस। और प्रिंस टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ जो है, ताकि आपको कल को कोई आपकी आईडी वेरिफिकेशन मांगते तो डेट ऑफ बर्थ से आप ठीक कर सको अपनी आईडी को। और नेक्स्ट करने के बाद आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा। अगर आप अपना फ़ोन नंबर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, या आप ईमेल से करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके ईमेल से कर सकते हो। देखिए आप ईमेल मांग रहे हैं, तो आप अपनी जो पर्सनल फ़ोन नंबर या ईमेल उनमें से कुछ भी चूज़ करके डाल सकते हो। मैं अपना पर्सनल चीज़ नहीं डालूंगा इसलिए मैं दूसरी साइट का यूज़ करता हूँ टेम्परेरीली मेल का। यहाँ पे मुझे एक मेरे को मेल मिल जाएगा, आप अपनी ईमेल डाल सकते हो वहाँ पर। मैं यहाँ से मेल ले लेता हूँ टेम्परेरी मेल, कॉपी यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक वो कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये आ गया मेल का ऑप्शन। अगर आप लड़के तो लड़के मेल चुनोगे, लड़की है तो वुमेन मेल चुनोगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पासवर्ड कहेगा कि आप अपना न्यू पासवर्ड डालिए,
Me agradó. Andrew Trigger 8123. Ok, वो कर देना मेरे को रिपोर्ट पे क्लिक। क्लिक करने के बाद क्रिएटिंग योर अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट बन रहा हो, यानी कि आपका अकाउंट बन चुका है इस जो नेक्स्ट स्टोर पे। आपको वेल पे क्लिक करना है। वेल पे क्लिक करने के बाद फिर फोटो लगाने के लिए पूछेगा। मेरे मोबाइल में सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि दूसरे ब्राउजर में नहीं है। उसका भी सोल्यूशन है। अगर आपके मोबाइल में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो URL बॉक्स है उस पर क्लिक कीजिए और उसको क्लिक कीजिए लॉगिन तक .com का कलर है, ठीक है। तो कर फिर से सर्च। सर्च करने के बाद क्लिक कीजिए, आपके ईमेल पे एक कोड आया हो, उस कोड को इस पर डालना है। मैं अपने ईमेल पे देख लेता हूँ, या मेरे ईमेल सेट पे आया होगा। तो ये रहा 16284। मेरा जो पासवर्ड कन्फर्म कोड है वो है 16284, ठीक है। और करता हूँ कन्फर्म कर दिया। आपका जो ये वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और अल्टरनेटिव नंबर मांग रहे हैं, अगर आप कोई मांगते हैं दोबारा नंबर तो फिर से URL पे क्लिक कीजिए। ज़रूरी नहीं है इसको डालने की, इसलिए आप URL पे क्लिक करके .com तक हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और सर्च करते हैं, पहले यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, अब ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट करेगा ऊपर, यहाँ पर भी फोटो लगाना चाहते लगा सकते, वरना नेक्स्ट बाद में ला सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, जैसे देखिए प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे URL को .com तक, तो मैंने क्लियर कर दिया .com तक मैंने क्लिक करने के बाद फिर से मैं सर्च लेगा उसको, तो आपको ये ऐसा खुल जाएगा। ये अकाउंट, आपका अकाउंट खुल चुका है। अब आपको मेन्यू में जा रहे हैं फेसबुक के, आपका अकाउंट बन चुका है लेकिन अभी कलरफुल नहीं हुआ है। कलरफुल करने के लिए आप क्या करना है, मेन्यू में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाने के बाद नेम पे जाना है। नेम में आपको दिख रहा है प्रिंस, फर्स्ट जो प्रिंस है उसमें आपको कोड डालना है। वो जो कोड जो दूंगा वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। तो मैं दिखा दूँ कैसे कोड है, गलती से क्लिक हो गया, सॉरी। देखिए ये रहा कोड, ये रहा, जहाँ पर भी आपको मंकीज दिख रहे हो वहाँ पर आपको अपना नाम का अल्फाबेटिक्स डालना है। जैसे कि मैंने प्रिंस रखा था तो प्रिंस डालना, तो मैं यहाँ पर प्रिंस डाल देता हूँ। मंकी को हटा के पी, आगे का अक्षर आप बड़ा भी रख सकते हो चाहे तो, बाकी पीछे का अक्षर जो है छोटे रखना, ना कि ताकि अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपको जो जो लास्ट नेम है वो भी आपका शो करेगा। अगर आप कैपिटल नहीं डालोगे तो आपका जो वो लास्ट नाम है वो शो नहीं करेगा। तो मैं फर्स्ट नाम कैपिटल में, बाकी सब छोटे अक्षरों में, प्रिंस का आर, मंकी को हटा के आई, एन और ई, प्रिंस मैंने लिख लिया है। अब वो मैं कॉपी कर रहा हूँ सेम लिख के यहाँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो कॉपी करना वो ई तक, मेरा अल्फाबेट के ई तक है, ठीक है। और मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मेरे को जाना है फिर से यहाँ पर, और प्रिंस को जो है हटा के पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है 8 ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये टाइप करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर करना है चेंज पर क्लिक। चेंज पर क्लिक करने के बाद अभी दोबारा कर देता हूँ। चेंज पर क्लिक करने के बाद आपका नाम चेंज हो जाएगा, पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड मांग डाल देना एंड्रो, मैं अपना पासवर्ड जो अभी डाला था वो डाल लेता हूँ। कन्फर्म, आपका नेम चेंज हो चुका है। अब ये जो आईडी है इसको हम अपना फोटो ले लेते हैं। आपका ईमेल जो होगा आपको याद होगा, ये मेरे टेम्परेरी ईमेल का जो आईडी है उसको मैं
कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको आप फेसबुक लाइट में लॉगिन कीजिए आईडी को, यहाँ पर वो ईमेल डाल देता हूँ जो कॉपी किया था, और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंड्रो करता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद देखिए उसका नाम रंगीन में आएगा, वो जो प्रिंस नाम डाला था हमने वो रंगीन में। लैंग्वेज का जो है अभी मैं ठीक करा देता हूँ, आपको पहले नाम लिखा था, प्रिंस नाम जो है कलर में आ रहा है, पाँच दिन बाद ऑटोमेटिक बोल जाएगा। देखिए अभी कुछ कलर दिखा रहा है, तो हम ये चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तथा हम इसका लैंग्वेज का भी कुछ मंगा करते हैं। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो यहाँ पर देख रही है लैंग्वेज ऑप्शन आ रहे हैं, ए और जी ट्रांसलेट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप अपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। हम इंग्लिश कर दें, देखिए सब कुछ चेंज हो गया। व्हाट्सएप वालों ने कुछ कर रखा है, तो देखिए जो ये आईडी है ये इंग्लिश में हो चुका है, उसका कलर कैसा है अभी देख सकते हो। और मैं इसको अभी लॉग आउट कर देता हूँ, मैं फिर से लॉग इन करके देखता हूँ, क्या पता नाम चेंज कलर चेंज अभी हो नहीं रहा है, अभी करके दिखाता हूँ। हर 5 मिनट वैसे तो हो जाता है चेंज, अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है, इस अकाउंट को मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर से लॉग इन करता हूँ। ये 5 मिनट में खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मेरे चैनल पे लोग आके ये ट्रिक सीख सकें।